नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल के बारे में, मेडिकल का डेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें पहले, उससे पहले आप लोग एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर से जाके ज्वाइन कर लें। हमारे द्वारा जो भी PDF दिया जाता है वो उसी टेलीग्राम ग्रुप में और आगे आने वाली भर्ती के बारे में उसमें सबसे पहले अपडेट किया जाता है। तो इससे आपसे भी निवेदन होगा कि आप सभी जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाके टारगेट फर्स्ट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप लोग का मेडिकल के बारे में और मेडिकल डेट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें मेडिकल डेट के बारे में। तो मेडिकल का डेट का जो टेंटेटिव डेट दिया गया है वो अगस्त में दिया गया हुआ है। तो अभी से आप लोगों का 1 महीने से 40 दिन का समय अभी बच रहा है आप लोगों का मेडिकल को स्टार्ट होने में। देखिए, इससे पहले भी 2 महीने के बाद फिजिकल ख़त्म होने के 2 महीने के बाद मेडिकल वो स्टार्ट कर लिया गया था। देखिए, मेडिकल आप लोगों का 40 दिन बचा हुआ है तो आप अपना प्रिपरेशन जरूर से कर लें, अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आप में तो आप जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर हम आपको कुछ बातें बता दें जिसमें सबसे अधिक जो है कि मेडिकल में कैंडिडेट वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिस्क्वालीफाई रेट रहता है वो रहता है पल्स रेट, हार्ट रेट और BP में। तो ये सब आप अपना चेक जाके करवा सकते हैं। और सबसे शर्मिंदगी की बात होती है जिनका BP हाई होता है, पल्स रेट हाई रहता है, तो इसलिए आप इन सभी चीज़ को जाके आप चेक करवा लें। चेक करवाने इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी आपके पास समय है। किसी तरह का कोई दिक्कत रहता है, BP हाई रहता है, फिर किसी भी तरह का कोई आपके बॉडी में डिफेक्ट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चेक कराने से आपको पता चल जाएगा। अगर तो आप उसके पास आपके पास जो होगा कि वो थोड़ा सा समय होगा, उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ा तो सर्जरी भी करवा सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, क्योंकि 40 दिन का भी समय है, बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है। आप इसका वेट ना करें कि आप मेडिकल में जाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो आपको री मेडिकल मिल जाएगा, फिर समय मिल जाएगा। तो देखिए, री मेडिकल में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, 20 दिन से 30 दिन का समय मिल 20 दिन से 30 दिन का मैक्सिमम आप लोगों को समय मिलता है, 30 दिन मैक्सिमम समय मिलता है री मेडिकल में। तो इसलिए आपसे ज़रूर से निवेदन होगा कि जाएं आप किसी नज़दीकी सदर अस्पताल में अपना पूरा बॉडी का चेकअप करवा लें, ठीक है। इससे आप लोगों को होगा क्या कि अगर आप पहली बार मेडिकल देने जा रहे हैं तो आपको अपने अंदर खामियां पता चल जाएगी। देखिए दोस्तों, मुख्य तौर पर अपना BP, पल्स रेट, ये सब हार्ट रेट, ये सब आप चेक करवा लें। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा लोग कैंडिडेट जो इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं वो होता है आइज़ में। आइज़ में आपका 6x6 होना चाहिए, 6x6 अगर आपका आइज़ नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होते हैं इस SSC GD में, वो होता है हाइड्रोसिल में। हाइड्रोसिल में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, आपको भी नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ज़रूर से आप जाएं अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में, उसके वो जाके एक बार चेक करवा लें। आप ये बोलेंगे कि मेरे कुछ दिनों में मेडिकल होने वाला है तो वो अच्छे से आपका डॉक्टर जो है अच्छे से आप चेक कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप लोगों को बता दें, तो तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा लोग छटते हैं उसमें वो होता है एल्बो और नोक नी में। तो दोस्तों, अब आने वाले समय में आपको हम बताएंगे कि एल्बो और नोक नी में आप कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल 1 मिनट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपका भी एल्बो और नोकनी सटता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो है कि डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आप जो मेडिकल लेने जाएंगे उसमें बताएंगे आप लोगों को किस तरह से आप नोकनी और एल्बो में बच सकते हैं। आप इसीलिए दोस्तों आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे कि आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे जो हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ जाने वाला सब सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो एल्बो और नोक नी पे आएगा कि आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको फुल मेडिकल किस तरह से चेकअप होता है मेडिकल में, क्योंकि हमारे जो पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि असम राइफल का मेडिकल हम लोग भी देकर आए हुए हैं, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि किस तरह से मेडिकल होता है और आप किस तरह से कोई अगर आप में खामी है तो आप बच सकते हैं। तो वेट कीजिए आप लोग, मिलेंगे हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।